वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हुए हैं वीडियो बनाने अपने गांव के एक ग्राउंड में। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम, देख सकते हैं आप, एग्जॉर का हेलमेट लिया हुआ है दोस्त ने, जो अभी मेरी वीडियो बना रहा है, विपुल लेगी व्लॉग्स। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, अनबॉक्सिंग करते हैं। बैग भी भाई इसी के साथ का ही है। तो बैग है ऐसा, देख सकते हैं आप, और मैंने इसका नाम दिया है बैग के लिए कंगारू बैग। तो चलिए इसकी थैली से इसको निकालते हैं। तो क्वालिटी अच्छी है बैग की, कॉलेज को लेके लिए रास्ते छोटा मोटा सामान के लिए, छोटा मोटा बीड़ी बीड़ी सिगरेट लाइटर लूटर के लिए। देखिए आप क्या क्या बढ़िया लुक लग रही है हेलमेट की। यह है मैट ग्रीन और वेनमस ब्लू आइज, खतरनाक लग रही है। और यह है स्पॉइलर पीछे, जिससे इस हेलमेट की लुक और भी इन्हेंस हो जाती है। साइड व्यू दिखा जा रहा है हेलमेट का, तो हाँ, तो देख सकते हैं आप, इसमें 1600 ग्राम का ये हेलमेट आता है आपका, और इसमें डॉट सर्टिफाइड ई सी सर्टिफाइड है, आई एस आई भी है गाइस। तो सेफ्टी वाइज तो मैं बोलूँ कि 90% ओके है। तो और क्या बता सकते हैं हम आपके लिए, तो इसमें दो वाइज़र मिलते हैं, एक तो आपको क्लियर वाइज़र मिलता है हेलमेट में, देख सकते हैं आप, और दूसरा वाइज़र है ये, जो कि ऐसे इसको स्विच करके निकलता है। तो ये है आपका थोड़ा सन से बचने के लिए, यूवी लाइट से। तो काफ़ी बढ़िया हेलमेट है और प्रोटेक्शन के मामले में भी बेस्ट है। और जो इसकी ये जो लॉक सिस्टम है, तो इसका नाम हम ने दे रखा है डी लॉक। तो जो हमारा नॉर्मल लॉक होते हैं वो हाई स्पीड में अगर कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो खुल भी जाते हैं, पर ये आपका खुलेगा नहीं। तो काफ़ी सेफ्टी वाइज ओके है। तो गाइज वैसे तो आजकल बाइकों पे लोग 500-500 के हेलमेट लेते हैं, जिससे सेफ्टी बहुत कम रह जाती है अगर एक्सीडेंट वगैरह भी होता है। तो बाई चांस अगर वैसे तो ना ही हो एक्सीडेंट आपका, और अगर आपके पास पैसे बचाने लायक है तो बचा के आप बड़ा ही सेफ्टी वाला हेलमेट ले सकते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे हमने रखा है। तो काफ़ी हार्ड क्वालिटी का है कि हाई, मतलब आप इसमें 150 की स्पीड पे भी चले गए तो काफ़ी हद तक बचा लेगा आपको। तो गाइज़ ये था हमारा हेलमेट का रिव्यू। तो काफ़ी अच्छा हेलमेट है एग्जॉर। तो मेरे को तो गाइज़ वैसे मेरे दोस्त को मैट में अच्छे लगते हैं, पर मेरे को इसमें थोड़ा शाइनी ब्लैक में अच्छा लगता है, जो मैंने देख रखा है। वो अभी एक दो महीने में ले सकते हैं अगर मन चाहा, पर अभी पैसे इकट्ठे करके देखते हैं अगले साल 1.5 साल में बाइक लेने के ताक में हूँ मैं भी। और चलिए फिर मिलते हैं अब आपको अगले ब्लॉग में। एंड गुड बाय एंड सेफ राइडिंग, एंड हेलमेट ज़रूर पहने।